नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्न सेन भारती। आज बात करेंगे बिहार के 5 प्रसिद्ध रेलवे स्टेशनों के बारे में। सबसे पहला रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन। पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन सन 1962 में शुरू हुआ था। तब इसका नाम बांकीपुर जंक्शन हुआ करता था, लेकिन बाद में बंटवारे के बाद यह रेलवे स्टेशन पटना जिले के अंतर्गत आ गया, जिसके बाद यह पटना जंक्शन के नाम से जाना जाने लगा। इस रेलवे स्टेशन के बनने की शुरुआत 1855 से शुरू हो गई थी, लेकिन यह बनकर तैयार 1962 में हुआ। उस समय तक बिहार में व्यापार के लिए गंगा नदी ही एक सहारा हुआ करती थी, लेकिन ट्रेन की शुरुआत के बाद व्यापार को एक नया आयाम मिला। आज पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन भारत का सबसे व्यस्तम रेलवे स्टेशनों में से एक है। यहाँ से देश के प्रमुख शहरों के लिए रेलगाड़ियाँ जाती है और आती हैं। आपको बता दें कि पटना जंक्शन नई दिल्ली और कोलकाता के बीच स्थित है। ऐसे में इन दोनों महानगरों से होकर जाने वाली ज्यादातर रेलगाड़ियां पटना रेलवे स्टेशन पर रुकती है। पटना जंक्शन प्रमुख रेलवे हब है। पटना जंक्शन के अंतर्गत राजेंद्र नगर टर्मिनल, गुलजारबागा स्टेशन, दानापुर रेलवे स्टेशन, पटना साहिब रेलवे स्टेशन आते हैं। इसके साथ ही प्रदेश के अन्य रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन लोग यहाँ रोजगार के लिए आते हैं, जैसे गया, जहानाबाद, बिहार शरीफ, राजगीर, इस्लामपुर, आरा और बक्सर से प्रतिदिन लोग राजधानी पटना में आते हैं और जाते हैं। वर्तमान में पटना जंक्शन में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए एक्सलेटर मशीन लगाई गई है, लेकिन यह मशीन सिर्फ प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर लगाया गया है। रेलवे प्रशासन की तरफ से बताया गया कि आने वाले दिनों में और भी प्लेटफॉर्म पर इस तरह की मशीनें लगाई जाएगी। गया जंक्शन। गया रेलवे स्टेशन पूर्व मध्य रेलवे जोन के मुगलसराय रेल मंडल के अंतर्गत आता है। यह रेलवे स्टेशन हावड़ा और नई दिल्ली को जोड़ने वाले ग्रैंड कोर्ड रेल मार्ग से जोड़ती है। गया रेलवे स्टेशन को बनाने की प्रक्रिया 1869 में शुरू हुई थी और यह 6 दिसंबर 1906 को बनकर तैयार हो गया था। गया रेलवे स्टेशन देश भर की कई एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों को जोड़ता है। गया जंक्शन पटना के बाद बिहार का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। पटना जंक्शन के बाद प्लेटफॉर्म के मामले में यह दूसरा सबसे बड़ा स्टेशन है। गया रेलवे स्टेशन से देश के सभी बड़े शहरों के लिए रेलगाड़ियां मिलती है। गया देश में पर्यटन में एक अलग स्थान रखता है, ऐसे में गया रेलवे स्टेशन पर इसका भी खास ध्यान रखा गया है। यहां पर अलग से तीर्थ यात्रा प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है। यहां तीर्थ यात्रियों की स्पेशल ट्रेन आकर रुकती है। यहाँ पर पितृपक्ष मेले के अवसर पर हजारों श्रद्धालु पिंडदान करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। दरभंगा रेलवे स्टेशन। दरभंगा रेलवे स्टेशन पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर रेल मंडल के द्वारा संचालित किया जाता है। दरभंगा जंक्शन रेलवे स्टेशन भारत के अधिकांश प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। दरभंगा रेलवे स्टेशन से दिल्ली, कोलकाता और पटना समेत देश के अन्य शहरों के लिए रेलगाड़ियां यहां मिलती हैं। अगर आप दरभंगा शहर से रेलवे की सुविधा लेना चाहते हैं तो यहां दो रेलवे स्टेशन है, पहला दरभंगा रेलवे स्टेशन और दूसरा लहेरिया सराय रेलवे स्टेशन। पुराने समय में दरभंगा रेलवे स्टेशन का नाम हराही हुआ करता था। 1874 को हराही यानी कि दरभंगा रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हुआ था। इसके बाद 1 नवंबर 1975 को दरभंगा से समस्तीपुर होते हुए दलसिंह सराय तक पहली मीटर गेज रेलवे चली थी। आपको बता दें कि उस समय तक दरभंगा के पास खुद का अपना ट्रेन हुआ करता था, यानी कि यह ट्रेन दरभंगा के राजा की ट्रेन थी। इस ट्रेन में महलों वाली सारी सुविधाएं उपलब्ध हुआ करती थी। उस समय दरभंगा के पास खुद का लोको शेड हुआ करता था। उस समय के इंजन पर दरभंगा लिखा हुआ करता था। दरभंगा लोको शेड का एक इंजन आज भी चेन्नई म्यूजियम में रखा हुआ है। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर कुछ दिन पहले इंग्लैंड द्वारा बनाया गया रेल इंजन दरभंगा रेलवे स्टेशन के सामने लगाया गया है। इसके बारे में कहा जाता है कि एक चीनी मिल में माल ढुलाई के काम के लिए सर्वप्रथम भाप इंजन को लगाया गया था। उस समय इन रेलगाड़ियों से चीनी मिल के लिए कच्चे माल की ढुलाई होती थी। दरभंगा रेलवे स्टेशन वर्तमान में सालाना 100 करोड़ से अधिक की कमाई करता है। कटिहार रेलवे स्टेशन। कटिहार रेलवे स्टेशन का उद्घाटन ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1889 में किया गया था। आपको बता दें कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने मनिहारी से कटिहार के लिए 1988 में पहली बार रेल चलाई थी। साल 1915 में कटिहार से किशनगंज के लिए रेल परिचालन सेवा शुरू हुआ था। जब देश में आज़ादी अपने चरम पर थी तो कटिहार से कलकत्ता की लाइन बंद कर दी गई थी। यह रेलवे स्टेशन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जोन के तहत आता है। कटिहार रेलवे कटिहार डिवीजन का मुख्य रेलवे स्टेशन है। कटिहार डिवीजन के अंतर्गत 137 रेलवे स्टेशन आते हैं। यह रेलवे स्टेशन देश के ज़्यादातर रेलवे स्टेशनों से जुड़ा हुआ है।
यह देश के ए कैटेगरी रेलवे स्टेशन के तहत आता है। आपको बता दें कि कटिहार रेलवे स्टेशन 100 साल से भी अधिक साल पुराना है। इस रेलवे स्टेशन पर 5 अलग अलग रूटों से आने वाली ट्रेनों के लिए ठहराव होता है। कटिहार रेलवे स्टेशन से 5 लाइनें निकलती है। पहली लाइन बरौनी रेलवे स्टेशन के लिए, दूसरी लाइन न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन के लिए, तीसरी लाइन मालदा टाउन रेलवे स्टेशन के लिए और चौथी लाइन जोगबनी रेलवे स्टेशन के लिए, और वहीं पांचवी लाइन तेज नारायणपुर रेलवे स्टेशन के लिए जाती है। ये रेलवे स्टेशन सीधा कटिहार से जुड़ती है। ऐसे में यह रेल रूट काफी व्यस्त रेल रूटों में से एक है, लेकिन यह रेल यात्रियों के लिए काफी सुविधाजनक है। कटिहार रेलवे स्टेशन पर 8 प्लेटफॉर्म है। इस रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन लगभग 1,00,000 से अधिक लोग सफर करते हैं। अब बात करते हैं मधुबनी रेलवे स्टेशन की। मधुबनी रेलवे स्टेशन नेपाल बॉर्डर से सटा बिहार का मधुबनी जिला, जो अपनी मधुर वाणी के साथ ही मधुबनी पेंटिंग के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ के रेलवे स्टेशन की दीवारें भी खूबसूरत मधुबनी पेंटिंग्स की चटक रंगों से दमक रही है। यह रेलवे स्टेशन भारत में सबसे सुंदर रेलवे स्टेशनों में से एक है। हाल ही में देश के सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन होने का इस रेलवे स्टेशन को खिताब मिला है। इस रेलवे स्टेशन पर आप साफ सफाई के अलावा यहाँ की खूबसूरती को देखकर आप दंग रह जाएंगे। पूरा रेलवे स्टेशन मधुबनी पेंटिंग से सजा हुआ है। मधुबनी रेलवे स्टेशन ए कैटेगरी रेलवे स्टेशन में से एक है। इस स्टेशन का नाम शहर के नाम से जोड़ते हुए रखा गया है। यह रेलवे स्टेशन 100 साल पुराना है। यह रेलवे स्टेशन समस्तीपुर रेलवे डिवीजन का बहुत ही खास रेलवे स्टेशन है। यह रेलवे स्टेशन बरौनी जयनगर और जयनगर गोरखपुर रेल लाइन पर स्थित है। मधुबनी रेलवे स्टेशन की स्थापना 1902 ईस्वी में हुई थी। इस समय जयनगर रेलवे स्टेशन की भी आधारशिला रखी गई थी। एक समय था जब मधुबनी रेलवे स्टेशन को सबसे गंदे रेलवे स्टेशन के रूप में जाना जाता था, लेकिन वर्तमान समय में यह रेलवे स्टेशन अपनी खूबसूरती के लिए देश में एक अलग ही पहचान रखता है। इस रेलवे स्टेशन पर विश्व का सबसे बड़ा पेंटिंग, तकरीबन 7,000 फीट का पेंटिंग बनाई गई है, जो मधुबनी रेलवे स्टेशन को एक अलग पहचान देती है। इस प्लेटफॉर्म पर लगभग प्रतिदिन 10,000 से ज़्यादा लोग सफ़र करते हैं। यहाँ लगभग प्रतिदिन 35 रेलगाड़ियाँ आती है और जाती है। ऐसे ही ताज़ा तरीन वीडियो के लिए बने रहे बिहारी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।